Hey, this is Dhaval Kumar. Welcome back to Pixative. आज मैं आपको बताऊंगा फोटोशॉप के अंदर जो सबसे बेहतरीन अपडेट आया है जो स्पेशली डिजाइनर्स के बहुत काम आता है. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स मेक इट. हम जब भी कोई सीमलेस पैटर्न बना रहे होते हैं तो काफी दिक्कतें आ रही थी अब तक के फोटोशॉप में, लेकिन एडोबी की तरफ से 2021 का जो फोटोशॉप वर्जन है उसमें बहुत बड़ा अपडेट आया है, वो है पैटर्न प्रीव्यू. जब भी आप कोई सीमलेस पैटर्न बना रहे होते हैं तब वो आपको प्रीव्यू पहले से देने लगता है. उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल एडोबी फोटोशॉप 2021 आपको इंस्टॉल करना है. सो मेरे पास यहाँ पर कुछ फ्लावर्स है. अब मैं इसे मैन्युअली एडजस्ट करने जाऊँगा, सीमलेस पैटर्न बनाने जाऊँगा इसकी, तो इसमें बहुत सारा वक्त लगेगा एडजस्टमेंट में और कौन से एंगल पे सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है उसमें बहुत सारा वक्त जाएगा. सिंपल मैं चाहता हूँ कि मैं जब सीमलेस पैटर्न इसका बनाऊँ तब मुझे इसका प्रीव्यू भी साथ में मिलता रहे. उसके लिए सिंपल कुछ नहीं करना है, मेरे पास फोटोशॉप का वर्जन 2021 ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. सिंपल मैं जा रहा हूँ व्यू में और सिलेक्ट कर रहा हूँ पैटर्न प्रीव्यू एंड हिट ओके. सी हमारे जो कैनवास में फ्लावर अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह की, और उसका पैटर्न प्रीव्यू कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है. अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल कोई भी फ्लावर सिलेक्ट कीजिए, मतलब आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है आप उसको सिलेक्ट कीजिए. सिंपल मेक श्योर ऑटो सिलेक्ट इज चेक्ड. सिंपल सिलेक्ट करके आप जहाँ पर भी उसे रखना चाहते हैं वहाँ पर रख दें. ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ये आपका कैनवास एरिया है. तो आप यहाँ पर कुछ भी मूवमेंट करेंगे तो सबसे पहले वो आपको प्रीव्यू दे रहा होगा. सी ये हमारा प्रीव्यू है, ये हमारा कैनवास है. सिलेक्ट द फ्लावर एंड ड्रैग इट हियर. सी अब आपका पैटर्न कुछ इस तरह का प्रीव्यू दे रहा है. सिंपल मैं इस फ्लावर को सिलेक्ट करके यहाँ पर रख रहा हूँ. अब मैं यहाँ पर सीमलेस पैटर्न इसका अरेंज कर रहा हूँ. एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी भी फ्लावर को अपने कैनवास की बॉर्डर पर जब भी सेट कर देते हैं उसके बाद आप उसको चेंज करना चाहे तो कुछ इस तरह से, आप अगर आप उसका एंगल चेंज करना चाहे तो कुछ इस तरह से हो रहा होगा. और बॉर्डर पर रखने के बाद आप उसका एंगल चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल सबसे पहले उसको कैनवास के अंदर ड्रैग करके ले आइए एंड कंट्रोल और कमांड टी के साथ सिलेक्ट कीजिए एंड उसका एंगल चेंज कर दिए. बॉर्डर पर जब भी आप इसको एंटर प्रेस करें उससे पहले उसका एंगल सेट कर लीजिए. सिंपल इसकी कॉपी लेनी है तो सिंपल ओल्ड के साथ क्लिक करके इसे ड्रैग कीजिए. एंड अब आपका पैटर्न कुछ इस तरह से लग रहा है. आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा स्पेस लग रहा है तो सिंपल आप यहाँ से भी इस फ्लावर को चेंज कर सकते हैं. अब आपका पैटर्न कुछ इस तरह से आपको लग रहा होगा. थोड़े ही समय में हमने यहाँ पर पैटर्न फिल कर दिया. अब सिंपल सबसे ऊपर जो फ्लावर है उसे सिलेक्ट कीजिए एंड सबसे नीचे जो फ्लावर है उसको सिलेक्ट कीजिए. सब सारे फ्लावर्स और आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट कर दीजिए एंड उसका ग्रुप बना दीजिए एंड पैटर्न प्रीव्यू ऑफ कर दीजिए. यह आपका यहाँ पर पैटर्न बन के आ गया. अब सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, अभी भी ये आपको बाहर का एरिया सिलेक्टेड दिखा रहा होगा. आप चाहते हैं कि ये जो साइज है वो सिर्फ कैनवास तक ही सीमित रहे, मतलब ये आपको पूरा फ्लावर यहाँ पर दे रहा होगा, राइट. सिंपल कंट्रोल ए सी प्रेस कीजिए एंड दो बार एंटर प्रेस कर दीजिए तो आपके कैनवास के बाहर जो भी होगा वो डिलीट हो जाएगा और अब आपको सिर्फ कैनवास साइज मिलेगी. अब आप चाहे तो पैटर्न प्रीव्यू फिर से कर सकते हैं एंड हिट ओके. सी आप अब भी यहाँ पर से कुछ चेंजेस कर सकते हैं. आप चाहे तो इसके नीचे कोई भी
बैकग्राउंड यहाँ पर लगाकर देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक बैकग्राउंड बनाकर रखा है सी। अगर प्लेन बैकग्राउंड आपको चाहिए तो सिंपल डबल क्लिक द सॉलिड कलर एडजस्टमेंट लेयर है, यहाँ पर आप कोई भी कलर चूज करके प्रीव्यू देख सकते हैं एंड उसके बाद पैटर्न प्रीव्यू को ऑफ कर दीजिए। सो ये था एडोबी की तरफ से आया हुआ सबसे बड़ा अपडेट, पैटर्न प्रीव्यू। आप जब भी कोई सीमलेस पैटर्न बनाए तब व्यू में जाकर पैटर्न प्रीव्यू को ऑन कर दीजिए एंड आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है उसे अरेंज कर दीजिए। आई होप दिस ट्यूटोरियल इज हेल्पफुल फॉर यू। लेट्स मेक लाइफ कलरफुल विद सम फन। स्टे ट्यून्ड टिल माय नेक्स्ट वन। टेक केयर।